पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार दाल मंडी में एसएसपी अमित पाठक और सीईओ दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने अवैध पटाखा कारोबारियों पर छापेमारी की। यहां से 5 क्विंटल से ज्यादा पटाखे बरामद किए गए, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 घंटे तक पुलिस की टीम पटाखों को गोदाम से बाहर करती रही। इलाके के अवैध पटाखों का काला कारोबार दीपावली से पहले सक्रिय हो जाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी। कार्रवाई में वाराणसी की दाल मंडी में अमानत रहनुमा हैंडलूम, शेख भाई राखी सेंटर और फिरोज की दुकान की जांच कर पटाखों को पकड़ा गया है। दाल मंडी में कपड़ा, मोबाइल, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक सहित दर्जनों सामानों का घना बाजार है, साथ ही अवैध तरीके से पटाखों का भी कारोबार होता है। यहाँ से आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, गोरखपुर, सलेमपुर, बिहार से व्यापारी आते हैं। 25 अक्टूबर 2016 को पितरकुंडा में एक मकान में पटाखों के विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। लहरतारा में 24 अक्टूबर को 2018 को मकान में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके चलते पुलिस चौकस नजर आ रही है। पुलिस द्वारा अवैध पटाखों का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।